इस कंडीशन में इसके कनेक्शन पहले निकाल लेने का, ये स्क्रूड्राइवर से पुश करने का इनसाइड, उसके बाद इजीली निकल जाएगा। अब साइड साइड के स्क्रू निकाल दो, एक दो, हाँ ये देखो इधर का बड़ा वाला हैंडल खुला हुआ है, तो ये खुला रहता है तो उसे निकलने में परेशानी होती है, इसको लॉक कर दो, इस तरफ है अपनी तरफ, हाँ उसको लॉक कर दो। क्या है, उसी हैंडल से ही पेपर जब जामिंग होता है तो इसमें प्रेशर बनता है ना, तो वो अगर खुला रहेगा तो ये प्रेशराइज रहेगा, तो निकालोगे तो कभी कभी फॉल्ट भी आ जाता है। पूरा बॉडी पकड़ने लगा कभी भी, हाँ दोनों तरफ से, पहले लेफ्ट साइड का हिस्सा हल्का सा निकालो, बाहर करो लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि इस तरफ गियर रहता है ना, और डाउन करके ही निकालने का, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन होल्डर्स को, देखो इस पे ये काम करता है और इसी से ये प्रेशराइज होता है, देखो जब हैंडल हम खोल देते हैं तो ये ऊपर हो जाता है, देख रहे हो, तो पेपर जो जाम रहता है ये उठ जाता है, तो स्प्रिंग इसको प्रेशराइज करके जगह बन जाती है, बराबर। रुको पहले, सबसे पहले क्या करो, वो सेंसर निकालो टॉप साइड का, मेटल सेंसर, सीधा करो, सीधा रखो पहले, मैं हाँ उसको खोलना, यूनिट नीचे रखो और सबसे पहले ये सेंसर खोलने का, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये पहले नहीं खोलते तो जल्दबाजी में हम लोग बात कर रहे हैं या कुछ अलग माइंड लगा है तो हम सीधे ऐसे उठा देते इस कैबिनेट को, तो वो वायर टूट सकता है, इसको पूरा हाँ साइड में कर दो बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप, अब उसके स्प्रिंग्स निकालो, यूनिट नीचे रख देने का, क्योंकि तब पूरा प्रेशर तुम्हें एक जगह नहीं, नहीं सिर्फ कॉर्नर से पकड़ने का तरीका, हाँ आराम से, ओके ये स्प्रिंग बाहर हो गया, अब ये वाला भी, इसको पकड़ के रखना चाहिए हमेशा, लगाते समय मैं आपको दिखाऊंगा, अभी उसे सीधा रखो पहले, हाँ सीधा करके रख दो, अब उसका कवर खोलो, पूरा बर्बाद कर दिया ना उसने, चलो अब यूनिट बाहर निकालो, पहले वापस से नीचे रखो, इस साइड का कनेक्शन निकालो, होल्डर निकालो सबसे पहले, हाँ इसका होल्डर निकालो, पुश करके अपर और लोअर पुश करके निकालो, हाँ आराम से, अब ये कनेक्शन निकालो, हाँ अब वापस से रखो सीधा, अब इसे अब उठाओ, पहले उस तरफ से फ्री करके निकालो, निकल गया, ठीक है अभी और अदर यूनिट साइड में रख दो, किसी ने स्क्रू ड्राइवर इसमें डाला है, नया फिल्म था ये,
चलेगा ना। वो क्या है कि उन लोगों ने एक ही स्टेबल पे ये मशीन अटका दिया होगा, ये घूम नहीं रहा होगा फिल्म, तो क्या हुआ गियर एक टाइम बाद बंद हो जाता है पर हीटिंग प्रोसेस चालू रहता है, तो फिर यही कारण है ये जल गया। तो पहले इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो दोनों यूनिट साइड में रखो। जैसे उस दिन मैं एरर कोड के बारे में बता रहा था, ये उसके दो साइड से होल्डिंग करने के लिए लगे रहते हैं। ये फिल्म है, ये फिल्म को देखो, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, यही हिस्सा जब प्रॉपरली ऐसे मूव करता है, ठीक है, ये जब मूवमेंट करता है तो क्या होता है कि ये हिस्सा, ये सेंसर, ये वाला हिस्सा इसको बार बार सेंस करता है, और जब ये वाइट वाला हिस्सा पर सेकेंड स्पीड से वो सेंस करता रहता है तो E07 नहीं आता, बट जब उसको ये वाइट वाला हिस्सा पर एज जो इसकी स्पीड है उसके हिसाब से ये सेंस नहीं करता तो E07 का एरर होता है। अब E07 का एग्जैक्टली मतलब समझा जाए तो इसको, इसका चेक पॉइंट है ये वाइट वाले हिस्से का, ये समझो दौड़ रहा है, इसका चेक पॉइंट ये है, अगर ये टाइम पे इस पर नहीं पहुँचेगा घूम के तो ये क्या दिखाएगा, 00007। अब उसके बाद अब इसकी बात करते हैं, ये वायर देख रहे हो, ये तीनों वायर में से एक भी वायर लूज रहेगा तो भी E007 आएगा। इस तरफ ये गियर टूट गया है, घिस गया है, ये घूमेगा नहीं तो फिल्म नहीं घूमेगा, और जब ये रोड ही घूमेगा नहीं तो ये क्या दिखाएगा, E07। E01, 002, 003 वो सिर्फ इससे रिलेटेड है, तीन 003 भी 00 तीन बार 0, उसके बाद 001, 002, 003, 004 भी इसमें नहीं आता, वो मेटल के रॉड वाले में आता है, पाइप वाले मशीनों में, अपर रोलर जिसमें पाइप जैसा रहता है उसमें आता है 004, 005 उसमें आता है वेब रोलर का, और 007 फिल्म का। अब बात करते हैं इस पट्टी की, तो पट्टी क्या है, 3300 मशीन का ये चीज़ है, अगर ये डैमेज होता है तो भी एलिमेंट पट्टी 001, 002, अगर ये हाई वोल्टेज सप्लाई करने लगा, मतलब क्या होता है कभी कभी ये शॉर्ट होता है तो जुड़ा रह जाता है, अब जुड़ा रह जाने पे क्या करेगा, 001 शो कर लेगा क्योंकि कंटिन्यूसली पावर इसमें सप्लाई होने लगेगा, और ये गर्म होते 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 गर्म होता रहेगा, और जब ओवर हीटिंग थर्मिस्टर सेंस करेगा, ठीक है, तो क्या दिखाएगा, 001 दिखाएगा एरर। बट कभी कभी क्या होता है, ये हल्का कनेक्टेड रहता है, इतना हल्का कि जैसे अर्थिंग वाला करंट इसको मिले, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ भाई, इसमें जो ये कैपेसिटर लगा, जब हल्का कनेक्शन रह जाएगा तो क्या करेगा, 002 देगा, तो हम सोचे जब हमारा ये थर्मिस्टर खराब हो गया है, हाँ तो ये गलत बात, इसमें भी इसीलिए बोलते हैं ना, जब 001, 002, 00 कुछ भी आया तो पट्टी एक बार चेंज कर दे, हाँ सिर्फ ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी बताऊँगा, अभी कुछ समझ में आया इसमें, इसके तापमान पर ही हर चीज़, ये चालू नहीं हुआ, हीट हो रही है,
ये पूरा गर्म रहती है। इसमें हीटर देख रहे हो, ब्लैक कलर की लाइन है, ये हीटर इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं। जैसे बल्ब में तार पतला लगा रहता है जिसके जलने मात्र से इतना उजाला होता है, तो उजाला कैसे होता है, उसमें जो गैस भरी रहती है उससे होता है, लेकिन वो गर्म उतना ही होता है जो तार है। उसी तरह ये तार भी अंदर गर्म होता है, गर्म होने से इसमें तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से ये किसी भी चीज़ को परमानेंटली टोनर जैसे मटेरियल को पेपर पे फिक्स कर देता है। कभी कभी सर्विस करते समय ये भी ध्यान देने का कि रबर से इनको साफ कर लेने का, कोड रबर, हाँ कोड रबर, इरेजर, इरेजर से इनको क्लीन कर लेने का, और ये क्लीन करने का रबर से, हाँ इनका जो ये गंदगी लगाई है निकल जाता है। रैम को साफ करने के लिए इरेजर यूज़ करने का, बूट रैम और टिकली वाला जो डिस्प्ले का पैनल रहता है उसे भी क्लीन करने के लिए इरेजर ही यूज़ करते हैं। बाद में फिर थोड़ा हल्का किसी से भी क्लीन कर देने का, क्योंकि थोड़ा नमी भी चाहिए उनको अर्थ निकालने के लिए, नहीं तो कभी कभी आप क्लीन कर देते हो तब भी उसमें करंट पास होगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक कनेक्शन हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, इस पट्टी पर। ये दोनों पट्टियाँ क्या करती हैं, यहाँ करंट पा के इसके तापानुसार इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर ना हो पाए इसलिए ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है। तो ये पट्टी ऐसी लगती है। अब हम बात करें इसकी और इसकी, तो ध्यान दो ये जो कनेक्शन है इधर ही आती है, समझ गए, तो दोनों कंबाइंड ही समझो, हाँ तो ये इधर आके मिलता है, तो ये करंट इसमें पास करता है, हाँ इस तरह। ये कनेक्टर लगा, कनेक्टर पट्टी से लगा, ये पट्टी इसको टच की, ये पट्टी का एक कनेक्शन इसमें लगा हुआ है, देखो ये तार में, हाँ और ये तार किससे जुड़ा है, स्विच से, हाँ ये स्विच, स्विच वाइट कलर वाइट डिज़ाइन में भी रहता है, ऐसा भी रहता है, ये स्विच है और ये स्विच ऑन ऑफ करने का काम करता है। जब ऑन रहता है तो करंट यहाँ से मिला, इस वायर के थ्रू ऐसे ऐसे होते हुए स्विच के पास आया, स्विच से होते 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 यहाँ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये एक वायर में आया, फिर ये दूसरे वायर को गया। अब दूसरा कनेक्टर क्या करता है, जो इस तरफ लगा रहता है, उसका कनेक्शन डीसी बोर्ड से रहता है। ये वायर कहाँ लगा रहता है, डीसी बोर्ड, डीसी बोर्ड। ये वायर कहाँ लगा रहता है, पावर सप्लाई। यहाँ से पावर निकलेगा तीन लाइनों से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब ऐसा नहीं कि तीनों वायर से पावर दे रहा है, पावर से दो वायर से दे रहा है, एक अर्थिंग दे रहा है कॉमन, लीकेज करंट क्रॉस कर सकूँ उसके लिए। ये देखो ये जो दो वायर्स हैं, कभी भी ध्यान देने का, सेम वायर्स में करंट पास नहीं करते, इसमें एक करंट है तो एक बेस है, ठीक है। अब इस वायर को जब पावर यहाँ से मिल गया, इस पट्टी को करंट पास कर दिया, पट्टी इधर से हीट होना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरफ जो रहता है हिस्सा पट्टी का, अब उसे क्या करना है, ये देख रहे हो, ये कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ, ये इस तरफ से कंट्रोल करने का काम करता है इसको पट्टी। सीधे कंसेप्ट में बात किया जाए तो इस पट्टी को गर्म करने के लिए एक कनेक्शन दिया गया है। अगर इस कनेक्टर का इशू रहेगा तो कनेक्टर को साफ करके लगा दो, या इस कनेक्टर के अंदर वाले हिस्से को साफ कर लो। कभी कभी इसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है तो ठीक से पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ से इसको करंट मिल रहा है, ये स्विच है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, स्विच मिल जाएगा, पूरा वायर ही चेंज करना पड़ता है, इसीलिए तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया हूँ ना, समझ गए।
डायरेक्ट क्यों करते हैं कि जब स्विच ख़राब हो जाए कम से कम मशीन तो चालू हो, बट इस कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक मशीनें नहीं चल पाती। पहले के समय में एक डेढ़ साल पहले जो यूनिट्स आते थे, अभी ये सब डुप्लीकेट्स हैं, मेड इन इंडिया है, इनको बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है, इसलिए ये 1-2 लाख भी कॉपी निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। पहले के यूनिट्स कम से कम चलते ही रहते थे, पट्टी कम से कम 2-2.5 लाख कॉपी के पास ये पट्टी, हाँ ये तो पट्टी, और अभी ऐसा डुप्लीकेट निकाल दिए हैं 400 रुपये वाला, 500 रुपये वाला, चलता तो है कुछ दिन बट खराब बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ठीक। इसे गर्म करने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगी, सही तापमान दे सके, ज़्यादा गर्म हो जाए तो रोका जा सके, कम गर्म हो तो उसकी जानकारी दे, ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसकी जानकारी दे। ठीक है, ये इसका बेस है। अब इसे वापस से लगाने का एक कंसेप्ट बताता हूँ, इसको भी बिठाने के लिए सबसे पहले उल्टा कर लेने का, इसको इसको सेट कर लिए, ये वायर लगा दिए अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे हो गया, इनके खाँचे देखूँगा, ये लॉकिंग खाँचा है ना, तो ये पहले इस्तेमाल कर लेगा, इधर लॉक किया, सीधे बैठा दिया, हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये करंट सप्लाई कर रहा है, ये सेंस कर रहा है, ये थर्मिस्टर है, ये स्विच है। ओके, अब इसमें हम पट्टी लगा देंगे, पट्टी लगाने का टेक्निक जिस तरफ ये है उस तरफ ये होना चाहिए, बट किसी भी फिक्सिंग यूनिट का अगर आपको पट्टी बिठाने में परेशानी होती है तो सबसे बड़ा ट्रिक है इसका कनेक्टर। आप इस पट्टी को ध्यान से देखिए, जिस तरफ कनेक्टर लगेगा उस तरफ इसका हिस्सा होना चाहिए, जिस तरफ से कनेक्टर लगाना है उसी तरफ इसका हिस्सा होना चाहिए। रीज़न बताता हूँ, कनेक्टर तो पूरा है लेकिन इसका पिनअप अंदर साइड है ना, तो ये जब इसको इंसर्ट करोगे तो जब पिनअप लगाएगा तभी तो दबेगा, बराबर। अब मैं इसको कैसे बिठा रहा हूँ, ये हिस्सा मैं इस तरफ ले रहा हूँ क्योंकि ये है इधर। अब ये कनेक्टर मुझे लगाना है, सबसे पहले तो मैं इसका होल्डर लगा दिया। ठीक है, होल्डर लगाने के बाद अब ये कनेक्टर लगाना है, तो कनेक्टर मुझे इस तरफ से लगाना है। अब इस तरफ से लगाना है तो इसका ये मुहा किस तरफ आया, इस तरफ आया, और इसका ये मुहा भी अंदर साइड है, देख रहे हो। जब इंसर्ट करेंगे इसको तो उससे जाके प्रॉपर कनेक्शन में आएगा। तो किसी भी मशीन का कभी भी हीटर पट्टी चेंज करना है अगर ध्यान में निकल जाता, वैसे तो काम करते समय ये सब कोई जल्दी ध्यान देता नहीं कि निकालते समय क्या है, नई मशीन होगी तो ये ट्रिक रखने का उसके कनेक्टर के हिसाब से। ठीक है, अब इसका ये फिल्म कभी भी निकाले हो साफ करने के बाद, तो क्लीन करने के बाद ये फिल्म अंदर एक बार ऑयल डाल देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है इसके सरफेस को स्मूथ करता है। बराबर घूम नहीं रहा, ये गर्म होने के कारण पूरा इसका नरमाहट खत्म हो गया। अब इसके बाद इसका ये होल्डर भी लगा देते, ये हो गया आपका हीटिंग असेंबली, केवल हीटिंग असेंबली या फ्यूजर असेंबली इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस पे आ जाते हैं, सेंसर को अगर ज़्यादा साफ सफाई करना है मशीन, अब इस हिस्से की बात करते हैं, इस हिस्से को अगर नहीं भी निकालते तो भी अपना ये रोलर आराम से निकल जाता है, पर धीरे धीरे ये हिस्सा जूना हो जाता है तो इसका क्लिप दबाते ही टूट जाता है, तो इसे नहीं निकालो तो भी अच्छा है। लाओ माइनस लाओ,
एक ही लॉक निकाल दिया, उसके बाद ये गियर आउट। ठीक है, थोड़ा जाम लग रहा है क्योंकि निकल नहीं रहा है, वो देखा कब से ये गियर नहीं। ठीक है, ये इसका गियर है। अब इसको निकालने के लिए पहले तो वन साइड ये फ्री रहता है, उसके बाद धीरे से पुश आउट इसको करो, ये भी बात हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इसे निकालो या फिल्म चेंज करो तो ये चीज जरूर चेक करने का, ये बुश या बैरिंग जो बोलना है बोलो, बैरिंग तो नहीं बोल सकते इसको लेकिन बुश होल्डर बोल सकते हो आप, क्योंकि होल्ड करता है लोअर रोलर को और ये बुश है। ठीक है, अगर ये कहीं भी ये खाचा थोड़ा भी घिसा रहता है तो चेंज कर देने का, क्योंकि इसके घिस जाने से ये फिल्म वन साइड आने लगता है। हाँ, क्योंकि ये घूम घूम के घिसा देता है ना, देख रहे हो, ये रोलर लोअर रोलर घिस गया तो ये नहीं घिसेगा, मेटल घिस गया तो, प्लास्टिक तो कॉमन चीज है। अब ये देखो, ये किसी लायक नहीं है लोअर रोलर, ऐसे लोअर रोलर को आप एक्सेप्ट मत करो ना ही यूज करो। ठीक है, इनको कभी भी कोई भी ऐसा लाइन फॉल्ट आ जाए तो इनको फटाफट हटा देने का, देख रहे हो ऐसे दबने लगे लोअर रोलर तो भी निकाल देने का, तो बिल्कुल खत्म हो गया है ऐसा, इसको नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट रहता है। तो थोड़ा भी ऐसे स्क्रैचेस आ जाए, ऐसा कहीं निकल जाए या प्लास्टिक कहीं निकल जाए तो लोअर रोलर चेंज कर देने का, उससे आपके इसकी लाइफ बनी रहती है। अगर इसके लिए रुके रहोगे तो आपको फिर ये 5,000-7,000 खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आपका 400-500 रुपए में काम हो जाएगा। और इसकी भी वैल्यू अच्छी है, ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, बट जब ये ख़राब हो तो टाइम पे इसे चेंज कर। इसके बाद ये इसका लीवर सेंसर रहता है पासिंग का, जब पेपर पास करता है फिक्सिंग ही क्रॉसिंग देता है कि पेपर पास हो। अब उस सेंसर को निकालने के लिए क्या करना है, इधर एक स्क्रू रहता है उसे खोल दोगे तो ये आराम से स्लिप करके निकाल सकते, बराबर। ये वो लीवर था जो मैं दिखा रहा था और ये वो सेंसर है। ठीक है, वापस से इसको इसकी जगह पे रख देने का, खांचे में स्लिप कर देने का, लग जाएगा। यहाँ एक वेव स्पंज रहता है सिल्वर कलर का, एक्चुअल में वो जस्ते का रहता है, तो वो जस्ते वाला रोलर जो है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करने का, क्योंकि वो वेस्टेज मटेरियल इससे लेकर अपने पास कवर करता है। अगर वो नहीं लगाओगे तो कॉपी में कहीं कहीं ऐसा टुकड़ा टुकड़ा आके आने लगेगा, और वो टुकड़ा बाद में क्या होता है, बड़ी संख्या में आने लगता है और आपके फिल्म को भी ख़राब कर देता है, क्योंकि जब ये फुल हो जाएगा तो उसके बाद डायरेक्टली लोअर रोलर पे ही लगना शुरू होगा, और लोअर रोलर पे थोड़ा भी लगा तो फिल्म तक पहुँचेगा। और कुछ पूछना है? अब ये चीज़ अगर मैं देखूं, तो ये एक वायर के थ्रू ये जाता है डीसी बोर्ड में, ठीक है, ये कनेक्शन भी जाता है डीसी बोर्ड, सिर्फ ये वायर जाता है पावर सप्लाई, इसका ये जो वायर देख रहे हैं पावर सप्लाई को जाता है, ये दोनों ही वायर डीसी बोर्ड को जाता है। सबसे पहले कभी कभी इसका फुल असेंबली करना है, इसको दोनों बुश लगाओ। ठीक,
ठीक है, बूस्ट लगाने के बाद सबसे पहले ये वाला हिस्सा बिठाओ, इसका ये हिस्सा देख रहा है, ये हमेशा ऊपर रखने का, इतना होने के बाद फिर इसे भी ऊपर लेके थोड़ा एडजस्ट कर देने का, क्योंकि जब ठीक है। अब इसके बाद इस गियर की भी खासियत है, इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे बाहर साइड नहीं रखने का, जो प्लेन हिस्सा है यही बाहर साइड रहना चाहिए, और ये वाला हिस्सा अंदर कर देना। वैसे इसके लिए क्या करने का कभी भी मालूम है, अपना नोज प्लायर रहता है ना, नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं इसे लगाने के लिए, नोज प्लायर है तो डायरेक्टली एक ही बार में दबाओगे तो बंद हो जाएगा। अब इसके बाद ये हिस्सा एज इट इज जैसे रहता है वैसे रख दो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके रखो, क्योंकि उसके बाद ये कनेक्शन इसमें लगाना है, ये होल्डर उठा के इसमें लगाना है, ये हो गया। फिर ये चीज़ें देखो, ऐसे करके इसमें लगा के इसके साथ ऐसे करके, ठीक है, ये रहता है, ये दो स्प्रिंग के साथ अटैच रहता है, और इसमें इसके दोनों लॉक्स ये और ये लगते हैं, और ये स्प्रिंग्स इधर और इधर लगता है। तो पहले इनको स्टेबल कर लेने का, उसके बाद इधर लग जाएगा इस कनेक्शन के साथ, रुको आप देखो इसको कैसे पकड़ते हैं, मैं कैसा पकड़ूं देखो, ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो। पूरी बॉडी पकड़ने का, ठीक है, एक काम करो जैसे तुम खोल रहे थे वैसे खोल, हाँ तो ऐसे ही तो बता रहा था मैं। लास्ट में तुम क्या ये वाला छोड़ देते थे ना, तो ये कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक प्लास्टिक कड़क रहता है, जब ओवर हीट जब हीट वो एब्जॉर्ब करता रहता है तो प्लास्टिक कड़क होता है, तो क्या होता है एक बाय मिस्टेक अगर कभी किसी जगह आप काम कर रहे हो छूट गया हाथ से तो टूट जाएगा, तो उसका परेशानी होगा ना,
ठीक है निकाल दो इसमें, अभी फिक्सिंग निकालो, पहले वायरिंग कनेक्टर्स, सेंसर को इस तरफ ले लो, हाँ बस हो गया, अभी इस तरफ फ्री करो। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे, दोनों यूनिट हटा दो, केवल हीटर यूनिट अपने पास रखो और उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ, कनेक्टर कैसे निकालोगे? हाँ निकालो, निकालते जाओ, एक्सप्लेन करते जाओ। अगर सिर्फ फिल्म चेंज करना है तो इस तरफ कुछ नहीं खोलना है, ठीक है? केवल एक होल्डर निकाला, फिल्म आउट करो, पट्टी पे, हाँ हमेशा इस ए हाथ ऐसे रखने का इस पे, हाँ ओके। अब आगे खोलो, हाँ अब अंदर खोलना है तो इस कनेक्टर को निकालना है, ठीक है? अब जो बताया वो बताओ मुझे, जो भी याद रहे तुमको। ये कनेक्टर निकालने के बाद में पट्टी निकालनी है। E00 एरर कोड कब आएगा? E00 ये पट्टी खराब हो रही है। E001 कंडीशन में क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक पट्टी, एक तो ज्यादा हीट हो रही है, एक कनेक्टर नहीं काम कर रहे ट्रांसफार्मर, साथ में ही इसमें करंट पास हो रहा है बट उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब ओवर हीटिंग होने पर E001 का एरर कोड आता है, ठीक है? ठीक। अब सेकेंड स्टेप, E000 एरर कोड फाइव जीरो तक भी आता है, E000-000। ये एरर कोड का मतलब समझा करो, या तो हीटर पट्टी चली गई या तो उसका थर्मिस्टर स्विच गया है, जो थर्मिस्टर स्विच होता है उसको थर्मिस्टर स्विच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उससे अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? वो स्विच खराब हो जाता है तो ऐसा होता है। अभी ये इंडियन वाला अनसक्सेसफुल क्यों है? एग्जैक्टली क्या होता है, जब आप कंटिन्यू काम करते हो मशीनों पे तो हीटर यूनिट 350 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है? नॉर्मल स्टार्टअप पे 100 डिग्री से चालू होता है, प्रिंटिंग प्रोसेस 250, और मैक्सिमम जब कंटिन्यू प्रोसेस रहता है जैसे हम लोग 100-200 कॉपी मारने लगते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, ये 350 के टेम्परेचर पे भी जाता है। उस कंडीशन में अगर इसकी फिल्म सही नहीं है, लो क्वालिटी की है, तो क्या करता है वो धीरे धीरे हार्ड होके चलने लगता है, फिल्म ठीक से नहीं घूमेगा ना, एकदम हार्ड हो जाता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, उसको जब ब्रेक अप ब्रेक मिलने लगता है तो क्या होगा, फिर ब्रेक मिलने से ये होता है कि उसका अदर जो काम है वो स्लो हो जाता है। बार बार जैसे आप समझ लो 10 मिनट में वो सेंसर E07 वाला वाइट वाला हिस्सा एज एग्जांपल 10 मिनट में पहुंचना है उसको, वो क्या कर रहा है 11 मिनट 11.5 मिनट 12 मिनट भी लगा दे रहा है, और उसमें क्या, लेकिन वो उसके आने आने तक कुछ ना कुछ वाइट वाला हिस्सा उसको शो हो जा रहा है, इसलिए E07 नहीं दे पा रहा है। बरोबर ओवर हीटिंग के कारण वो जो एलिमेंट पट्टी का बेस है उस प्लास्टिक को भी घिस रहा है वो फटाफट।
ये सारी चीज़ों से क्या होता है, आपके हीटर यूनिट टेढ़े हो जाते हैं, देखते हो ना, कुछ कुछ ये प्लास्टिक वाला इसका बेस ऐसा टेढ़ा हो जाता है, उसके कारण भी 00 का एरर कोड आता है। आपकी पट्टी सही रहेगा, थर्मिस्टर, स्विच, ये सब सही रहेगा, लेकिन फिर भी क्या दिखाएगा, E00, क्योंकि वो पट्टी थोड़ा सा बैंड हो जाता है, और पट्टी बैंड होने के कारण वो सही तौर पे घूम नहीं पाता और बार बार वो फ्लक्चुएट करके E00000 दिखाने लगता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट आप सही से लगाओ, उसके सही तरीके से केयर करो। ओके, अगला स्टेप सबसे पहले वो कनेक्ट होल्डर लगाओ, उसके बाद कनेक्टर लगाओ। और सेकंड थिंग, जो ओरिजिनल पट्टियां रहती है, ओरिजिनल यूनिट रहता है उनका, ये देख रहे हो जो फ्रेम है, फ्रेम में वो चिपकाए हुए होते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए हमेशा एक किसी बहुत पतले माइनस का यूज करने का, और बहुत हल्के तरीके से, ठीक है, क्योंकि पट्टी ना टूटे इस तरह उसे निकालना चाहिए। उल्टा करो, यूनिट उल्टा करो, हाँ अभी होल्डर लगाओ, वैसा ही लगेगा, हाँ यही सीखना है। आदमी बड़ी चीजों में नहीं फंस जाता, आदमी छोटी चीजों में फंसता है। बैठ गया, दिखाओ मुझे, नहीं ये ठीक से बैठना चाहिए, यहाँ इस तरफ उभरा हुआ दिख रहा है ना, वैसा नहीं दिखना चाहिए, वो क्यों दिख रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, पट्टी सेट कर दिया, इसको कैसे मैच करने का, ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसके साथ सेम दिखना चाहिए, इसका ये कटअप इसके सर्कल से प्लेन में आना चाहिए, आगे चला जाए लेकिन पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसा ना रहे, ऐसा चलेगा या तो ऐसा रहे, ठीक है। अब इसके बाद इसका ये होल्डर लग गया, फिल्म लगाओ इसका, फिल्म किस तरफ क्या लगेगा, इधर लगेगा, वाइट वाला हिस्सा मेन कनेक्टर की तरफ रहेगा, जिस तरफ सेंसर रहेगा उसी तरफ वाइट वाला हिस्सा रहेगा, होल्डर लगाओ अभी, बरोबर घुमाओ उसको, हाँ वायर सेट करो, बस हाँ अब लगाओ कनेक्ट, ओके अभी ठीक है, अभी उस पूरे हीटर असेंबली को उसके यूनिट में अटैच करो, आगे लो, ठीक है,
अभी ये बेस लगाओ, सब टॉप कवर इसका है, इसको टॉप प्लेट भी बोल सकते हो आप। हमेशा अगर आपको वर्ड्स सही से याद रखने हैं तो जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से रखो। पहले दो कटिंग खांचे दिए गए हैं ना उसमें, हाँ तो उसको सेट करो। पहले कटिंग खांचा किधर है, पहले यूनिट सीधा करो। हाँ अब लगाओ उसमें, दोनों तरफ जब चला जाएगा गया, अब बिठाओ। ओके, ये ऐसे ऐसे ही कभी नहीं बैठता, मालूम है क्यों? क्योंकि उसका ये इनर खांचा जो है, ये देखो थोड़ा दिखाओ मुझे, ऊपर करो, ये हिस्सा अंदर आ रहा है, देख रहे हो? और कभी ये टेढ़ा रहता है तो ऊपर नहीं आता, तो ऐसा लगता है अरे बैठ नहीं रहा, तो ये भी ध्यान देने का। ये वाला हिस्सा इस तरफ भी रहता है लेकिन अंदर साइड दिखता नहीं है। अब इसका स्प्रिंग लगाओ, पहले नीचे रखो, अब ऐसा कर दो जैसा किया था। हाँ ऐसा ऊपर वाले हिस्से पे स्प्रिंग फंसाओ खाचे में। ओके, दूसरी साइड सेम। कभी कभी लोग मिस बैलेंस इसमें एक चीज कर देते हैं, यूनिट सीधा रखो ऐसे जैसे स्प्रिंग लगाते समय रखा था। हाँ इसमें ये हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, ये जब हमको कभी कभी हम क्या करते हैं इसके कटअप पे ही इसको जोड़ देते हैं, ये दोनों साइड रहता है ये इसका स्प्रिंग, बट इसका उभरा हुआ हिस्सा जो दिखता है मुड़ा हुआ, वो चीज हमें पकड़ने के लिए बनाया गया है, वो फंसाने के लिए नहीं, क्योंकि कई लोग वही फंसा देते हैं। तो इन चीजों का गौर कीजिए कि अगर वन साइड सर्कल फंस रहा है तो दूसरे साइड भी सर्कल ही फंसाना है, उसका मुड़ा वाला हिस्सा नहीं फंसाना है। ओके, आई होप आप लोग को समझे ये मेरी बातें। चलो अब इसे मशीन में अटैच करते हैं। उधर से फंसाते हुए आओ ना। हाँ अभी पहले ये पतले पतले वायर हटाओ, इधर लॉक करो ना जैसे लॉक किया था मैंने। हाँ अब एज इट इज हो गई करो बस। ओके, अब इसको मशीन में अटैच करते हैं।
सबसे पहले ये हिस्सा डालेंगे। दे प्रेशर दे उसको, हाँ लगाओ इसको। मेटल यूनिट पे रहम नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि उनकी मजबूती बहुत ज़्यादा रहती है। अगर वो फंसेंगे, उनको आराम दोगे ना, तो तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा खा लेंगे। प्लास्टिक वाले यूनिट पे थोड़ा सबसे पहले ऊपर वाला कनेक्शन, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद ये पीला वाला कनेक्टर, फिर सबसे बड़ा वाला कनेक्टर, आराम से। नहीं तो ये भी चला जाएगा नीचे, दोनों साइड के कनेक्टर। हाँ नहीं, वो जाने दो, उसकी जरूरत नहीं, बंद करो। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी ये जो जानकारी हम प्रदान किए। धन्यवाद।